हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 महीने से पहले बच्चों को सॉलिड फूड हम क्यों शुरू नहीं कर सकते हैं, उनके रीजंस क्या हैं, वजह क्या है कि हम बच्चों को 6 महीने के बाद ही सॉलिड फूड क्यों स्टार्ट करें। होता क्या है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, प्रॉपर फीडिंग के बाद भी बच्चा जो है वो रो रहा है, फजी फील हो रहा है उसे, और वो और ज़्यादा फीड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। इस टाइप से उन्हें ऐसा कंसर्न होने लगते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि 4 महीने से ही सॉलिड फूड स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि बच्चा फजी है या फिर और ज़्यादा भूखा है, तो आप अपने डॉक्टर के साथ एक बार कंसल्ट कीजिए। मे बी कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं इसके, अपार्ट फ्रॉम कि वो भूखा हो, मे बी कुछ और रीज़न्स होंगे जो डॉक्टर आपकी हेल्प कर सके। इसलिए आप खुद से ही सॉलिड फूड स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर का कंसल्टेशन ज़रूर लें। फिर हो सकता है कि बच्चा हो सकता है कि आपका डॉक्टर सजेस्ट करे कि ओके यू कैन स्टार्ट सॉलिड फूड्स फ्रॉम द एज ऑफ 4 मंथ्स। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें सॉलिड फूड 6 महीने के बाद भी थोड़ा लेट शुरू किया जाता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है किड्स टू किड्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि हम क्यों शुरू नहीं कर सकते सॉलिड फूड बच्चों को 6 महीने से पहले। तो जो बच्चे 0 से लेकर के 6 मंथ्स तक के होते हैं, उनके लिए जो मदर मिल्क होता है वो एक कंप्लीट मील होती है। उनके लिए उन्हें जो भी चाहिए होता है टिल द एज ऑफ 6 मंथ ग्रो करने के लिए, वो सब कुछ उन्हें मदर मिल्क से मिल जाता है। फिर वो चाहे वाटर हो, प्रोटीन हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, जो भी चीज़ हो उनके ग्रोथ के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, वो उन्हें सब कुछ मदर मिल्क से मिल जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि 6 मंथ्स तक मदर मिल्क जो होता है वो सफिशियंट होता है, उसके अलावा हमें बच्चों को कुछ और नहीं देना चाहिए। प्लस जो 4 मंथ्स के बच्चे होते हैं वो प्रॉपर बैठना नहीं जानते हैं, वो अपराइट पोजिशन में नहीं बैठ पाते हैं, गर्दन भी नहीं पकड़ पाते हैं। अगर आप उन्हें कुछ खिलाओगे तो वो प्रॉपर स्वॉलो नहीं कर पाएंगे, इस वजह से चोकिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। मदर मिल्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, उसे उन्हें स्वॉलो करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कुछ खाने के लिए उनकी अभी तक डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुई होती है, उन्हें च्यूइंग मोशन नहीं समझ में आता है, उनके जो माउथ ऑर्गन्स होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुए होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। प्लस जो 4 महीने के बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, प्लस उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी अभी डेवलपमेंट फेज़ में ही होता है, वो भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है। आप चाहे उन्हें कितना भी नॉर्मल फूड दें, कितना भी फाइन प्योरी करके दें, हो सकता है कि उन्हें किसी फूड के साथ एलर्जी हो जाए या फिर उन्हें टमी अपसेट का प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है तो हमें 6 महीने के बाद ही सॉलिड फूड बच्चों को शुरू करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पीडियाट्रिशियन आप कंसल्ट करते हैं उनके साथ और अगर वो बोलते हैं कि हाँ आपके बच्चे को ज़रूरत है एक्स्ट्रा फूड की, उसे मदर मिल्क सफिशिएंट नहीं है, देन ओनली आप उन्हें सॉलिड फूड स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ स्ट्रिक्टली अ नो नो कि आप बच्चे को 6 महीने के पहले सॉलिड फूड देना शुरू करते हैं। जो बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं उसके बाद आप उन्हें सॉलिड फूड शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद का जो डेवलपमेंट होता है वो मदर मिल्क से सफिशिएंट नहीं होता, उसके लिए उन्हें अदर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अदर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, अदर सोर्स ऑफ चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े, डेवलपमेंट ग्रो हो। इसलिए हम 6 महीने के बाद उन्हें सॉलिड फूड दे सकते हैं। 6 महीने के बाद भी जब आप सॉलिड फूड शुरू करते हैं तो भी हम उन्हें स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जैसे कि 6 to 7 मंथ का एक स्टेज होता है, 7 to 9 मंथ का एक स्टेज होता है, 9 to 12 मंथ का एक थर्ड स्टेज होता है। इन स्टेजेस में आप बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं और जब बच्चा अच्छे से आदत हो जाती है उसे सॉलिड फूड खाने की, तो आप उसे नई नई तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जब आप अपने बच्चे को सॉलिड फूड देना शुरू कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं बच्चे को खिलाने के लिए, वो प्रॉपरली स्टरलाइज होना चाहिए, क्योंकि बच्चा 6 महीने का हो गया है, रेडी हो गया है सॉलिड फूड खाने के लिए, लेकिन अभी भी उसका इम्यूनिटी सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो किसी तरह की एलर्जी को झेल पाए। इसलिए आप जो भी यूटेंसिल्स में उसे फूड सर्व करने वाले हैं वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि मैं हमेशा मेरी डॉटर को स्टील के बर्तन में ही खाना खिलाती थी, क्योंकि उन्हें क्लीन करना बहुत आसान होता है।
इसलिए मैं वही यूज़ करती थी। आप कोई भी कुछ भी यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर क्लीन और स्टेरलाइज करें, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को एलर्जी दूर रखने से। प्लस आप जो भी फूड उन्हें दे रहे हैं वो एक कंसिस्टेंसी में रखिए। सपोज़ आपने दाल राइस का पानी से शुरू किया, तो आप 4-5 दिन तक उसे दाल राइस का पानी ही दीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि बच्चे को ये खाना सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप किसी तरह की प्यूरी उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फिर आप उसे 3-4 दिन तक ऑब्जर्व कीजिए। अगर उसे वो फूड सूट नहीं हो रहा होगा, तो किसी तरह की एलर्जी या फिर टमी अपसेट जैसा आपको कुछ सिम्टम दिखाई देंगे, तो आपको ये सब चीज़ें भी नोटिस करनी है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बच्चे कुछ फूड नहीं पचा पाते हैं और कुछ फूड वो ईजिली पचा जाते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इनिशियली जब आप शुरू कर रहे हैं, तो आप जो कंसिस्टेंसी है खाने की वो एकदम पतली रखिए, क्योंकि बच्चा जस्ट स्टार्ट कर रहा है, स्विच कर रहा है ब्रेस्ट मिल्क से सॉलिड फूड पे, तो उसे तुरंत इतनी आदत नहीं होगी। इसलिए आप धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी इंक्रीज़ कीजिए, बट स्टार्टिंग फेज़ में आप उसे एकदम थिन कंसिस्टेंसी दीजिए और ग्रेजुअली कंसिस्टेंसी को इंक्रीज़ कीजिए। प्लस अगेन, आप जो भी यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें प्रॉपरली स्टेरलाइज कीजिए, प्रॉपर क्लीन कीजिए, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एलर्जी। और बच्चे के खाने में सॉल्ट एंड शुगर ज़रा भी ऐड मत कीजिए टिल द एज ऑफ 1। चाहे कुछ भी हो जाए, अवॉइड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना अवॉइड कीजिए सॉल्ट और शुगर उसके फूड में ऐड करने के लिए। तो ये तो थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से हमें सॉलिड फूड बच्चों को 6 महीने के पहले इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं इंट्रोड्यूस करना, तो आप एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए। कुछ अगर अदर वे आउट निकलता है तो वैसे ट्राई कीजिए। अदरवाइज़ अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट करना ही है फ्रॉम 4 मंथ, तो आप कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ योर पीडियाट्रिशियन। अदरवाइज़ इट इज़ स्टिल रिकमेंडेड कि आप 6 महीने तक वेट कीजिए, और 6 महीने के बाद आप जैसे चाहें वैसे आप उन्हें सॉलिड फूड धीरे धीरे करके स्टार्ट कर सकते हैं देना। तो ये तो था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस बारे में तो। प्लस मैं आपसे दूसरे वीडियो में मिलूँगी कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।